नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लव जिहाद और धर्मांतरण के आपने बहुत से मामले सुने होंगे, जिसमें हिंदू लड़कियों को पहले अपना धर्म छुपाकर मुस्लिम युवक फंसाते, फिर उनके साथ निकाह करने के लिए या फिर कहे धर्म बदलने के लिए मजबूर करते। ये सब तो आपने सुना होगा, लेकिन अब जो खबर सामने आई उसने सभी को हिला कर रख दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के झांसी में कथित लव जिहाद मामले में पीड़िता युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने कब्र दफने उस शव को खोदकर बाहर निकाला। उसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस को अब शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंतजार कर रही थी, तभी पता चला कि लड़की के साथ मारपीट भी की गई थी। बता दें कि अफरोज बेगम बनी नीलम अहिरवार के कुछ दिन पहले जहर खा लिया था, उसकी झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपी और उसके परिजनों पर लव जिहाद और हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के सिविल लाइन इलाके के रहने वाले नीलम अहिरवार को 4 साल पहले छतरपुर जिले के सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले तब्बू उर्फ तालिब खान बहला फुसला कर भगा ले गया था। इस वक्त नीलम नाबालिग थी। पुलिस ने तालिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस ने नीलम को सौंपना चाहा, लेकिन बेटी के काम से वो पिता किशोरी लाल ने उसे अपनाने से मना कर दिया। इसके बाद लड़की कुछ दिन आश्रय गृह में ही रही और वहां से निकलने के बाद तब्बू उर्फ तालिब के साथ रहने लगे। तालिब ने नीलम से निकाह कर लिया और उसका नाम बदल कर अफरोज बेगम रख दिया। जुलाई 2021 के पहले सप्ताह में किशोरी लाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देकर बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें फोन कर बताया है कि ससुरालिजन से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे जबरन कलमा पढ़वाया जा रहा है और मांस खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पिता के मुताबिक लड़की खुद को बचाने की गुहार लगा थी। जब पिता ने बेटी के ससुराल जाकर उसने मिलना चाहा तो ससुराल वालों ने उसे मिलने से मना कर दिया और वापस भगा दिया। इस मामले में छतरपुर पुलिस के सीओ लोकेंद्र सिंह का कहना है कि मृतिका के पिता की शिकायत के आधार पर झांसी जिला प्रशासन से संपर्क करके अफरोज उर्फ नीलम का शव कब्र खोदकर पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला गया। बताया ये भी जा रहा है कि नीलम पर मारपीट की गई थी, मतलब जहर तो उसने खाया, उससे पहले उसे मारा गया। तो सवाल ये है, क्या उसने उसको जबरदस्ती जहर खिलाया गया? वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी कारण सामने आएगा उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।